कांग्रेस रे महिला माने असुरक्षित बोली कहिले प्रियंका को प्रार्थी कहिले लड़ी भी नहीं निर्वाचन कांग्रेस दल मध्य छाड़े उत्तर प्रदेश निर्वाचन रे कांग्रेस महिला मानकर सशक्तिकरण कथा कही निर्वाचनी मैदान रे ओल्हाउछि एथिपाई एही राज्यर निर्वाचन दायित्व रे थिबा कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भली अभियान आरंभ करथिले। प्रियंका उत्तर प्रदेश रे 40% टिकेट महिला मानंकु देबाकु घोषणा करथिले तबे तांक द्वारा बछा जायथिबा जणे दलीय महिला प्रार्थी कांग्रेस दल रे महिला माने असुरक्षित बोली कहि निर्वाचन लड़िबे नाही बोली मना कर दैछन्ति। केवल सेटिकि नहे से कांग्रेस दल रो मध्य इस्तफा दैछन्ति। एही महिला जणक ना हला फरहा नईम। प्रियंका वाड्रा तंको बदायूं जिलार शेखपुर विधानसभा क्षेत्र रो प्रार्थी घोषणा करथिले तेबे से तंको दलर जिला सभापति को तंको भली जणे महिला को विरोध रे अभिजोग कारण रो से प्रार्थी हेबे नाही बोली घोषणा करिछंती। जिला सभापति तंको चरित्रहीन महिला बोली कहिबा सह मुसलमानी महिला को टिकट देबा उचित नहे बोली कहथिले। सुनंतो से कोन कहउछंती महिलाएं बदायूं के संगठन में सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से मैंने टिकट की दावेदारी करी और मैंने लड़ाई करी ओंकार सिंह ने उसको रोकने के लिए मेरे चरित्र पर लेकर कीचड़ उछाली महिलाओं के चरित्र पर कीचड़ उछाली है। उनका कहना है मुसलमानी महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाए जबकि हर जाति का वोट कांग्रेस को चाहिए हर बिरादरी चाहिए लेकिन ओंकार सिंह ने मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी हर कोशिश की धमकाने की कोशिश की हर तरीके से टिकट को रोकने की। तो आज मैं चाहती हूँ कि ओंकार सिंह जैसे लोग इस संगठन में मौजूद हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देती हूँ। तबे यही घटना कांग्रेस रो दोहरा चरित्र को पदारे पकाई देछि। फरहा नईम पार्टी टिकट नेबा को मना करी देबा परे पार्टी रो चिंता बढ़ी जायतिला। हेले परवर्ती समय रे तांको बदल रे पार्टी ममता देवी प्रजापति को टिकट देबा नै घोषणा करिछि। एही निर्वाचन मंडली रे शेष पर्याय रे अर्थात मार्च मास 7 तारिख दिन निर्वाचन हेबार अछि। रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।